Assalamu alaikum dear students, how are you? Or do we start second lecture of social studies? Unit 2 के बारे में हम पढ़ रहे थे. फर्स्ट लेक्चर में भी हमने यूनिट 2 चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस किया था. और सर मैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में आपको बता देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ. हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं हमने पढ़ा था ऑयल, वाटर, सॉइल, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, ईटीसी. ये हमारे पास क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं. और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज ये हमारे ज़मीन की निचली सतह पे पाई जाती हैं. इट इज़ क्लियर? आप चले आए, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ. आज का जो हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस के बारे में आज हम पढ़ेंगे. नेचुरल गैस क्या होती है और इसके यूजेस क्या क्या हैं. नेचुरल गैस इज़ आल्सो फॉसिल फ्यूल्स. नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल्स हैं. वी गेट इट फ्रॉम बीनीथ द सरफेस अर्थ. ये भी हमारी क्या होती है? ज़मीन की निचली सतह पर पाई जाती हैं. वी यूज़ इट इन सिलेंडर एट होम फॉर कुकिंग. इसे हम सिलेंडर्स में डाल के घरों में खाना पका सकते हैं. दिस इज नाउन एज LPG. LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इसे हम क्या कहते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं. वी आल्सो यूज नेचुरल गैस टू रन आवर व्हीकल्स. हम इसे नेचुरल गैस से अपनी गाड़ियों को भी चला सकते हैं. दिस गैस इज नाउन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG. CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नेक्स्ट देखते हैं. वी यूज नेचुरल गैस फॉर कुकिंग. हम इसे खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नेचुरल गैस को. इट इज़ आल्सो यूज इन आवर गीजर्स एंड फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़. इसे हम बहुत सारी और इसे हम मतलब कि गीजर्स में गीजर जैसे फार्मीन गर्म पानी का चश्मा जिसे हम कहते हैं. फॉर अदर एक्टिविटीज़ हम इसे बहुत सारी और सरगर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आज के इस लेक्चर से इसी ही टॉपिक से मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स राइट किए हैं, टू फिलिंग द ब्लैंक्स बनाई हैं और एक आंसर क्वेश्चन है. आप लोगों ने क्या करना है? फर्स्ट में वर्ड मीनिंग्स हैं. वर्ड मीनिंग्स मैं आपको दिखा देती हूँ. वर्ड मीनिंग से मैं नेचुरल गैस, कुदरती गैस, बीनीथ नीचे, लिक्विफाइड माए, कंप्रेस्ड गैस, गीजर्स गर्म पानी का चश्मा, सरफेस सतह. आप लोगों ने क्या करना है? इन्हीं टॉपिक से ही मैंने वर्ड मीनिंग्स लिए. आपने क्या करना है? वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन करने के बाद पेंसिल के साथ ऊपर इसके मीनिंग राइट कर लेने हैं. इससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. इट इज़ क्लियर. सेकंड में है फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने बनाई है द फुल फॉर्म ऑफ LPG. LPG की मैंने फुल फॉर्म लिखी है. इस तरह से हमारे पेपर में MCQs भी आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकती हैं. चलिए आंसर क्वेश्चन नहीं तो ये दो ऑब्जेक्टिव हमारी क्लियर हो सकती है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस द फुल फॉर्म ऑफ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये आप लोगों ने अच्छे से ओरल कर लेना है. आंसर क्वेश्चन है व्हाट इज नेचुरल गैस. इसी से ही मैंने क्वेश्चन बनाया है कि हमने पढ़ा है नेचुरल गैस के बारे में और उसके यूजेस के बारे में. फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन बनाया है नेचुरल गैस क्या है. व्हाट इज नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इज आल्सो फॉसिल फ्यूल्स. नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल्स है. वी गेट इट फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ. इसे हम जमीन की निचली सतह से हासिल करते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.